आज मैं आपको विक्टोरिया की एक और बहुत ही सुंदर और इंटरेस्टिंग जगह पर लेके आया हूँ। इसका नाम है द बुचार्ड गार्डन्स। यह गार्डन पूरे कनाडा में आई एम टोल्ड कि सबसे बड़ा है और वर्ल्ड के 10 बिग और टॉप गार्डन्स में से इसकी काउंटिंग होती है। तो संडे का दिन है, बहुत ज़्यादा भीड़ है और पार्किंग भी बहुत मुश्किल से मिली है, काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए हैं और काफ़ी बड़ा है ये गार्डन। साथ में हमें एक मैप मिला है तो वॉकिंग वगैरह काफ़ी है इसमें। तो इसमें जो इंटरेस्टिंग और सुंदर जगहें होंगी, कुछ फ्लावर्स वगैरह इस टाइप का कुछ, तो मैं आपको बीच बीच में कवर करवाता रहूँगा, आप बने रहिए मेरे साथ। ये देखिए गार्डन का ओवरव्यू। वाह, कितने प्यारे ट्यूलिप्स लगे हुए हैं, कितनी अच्छी तरह से मेंटेन किया है। और बीच बीच में बैठने की जगहें हैं, खाने पीने के जॉइंट्स हैं, आराम करने की जगह है लोगों की। बहुत ही अच्छा लगा, इन्होंने बनाया है कवर, फोटो खींचने का पूरा प्रोविज़न है। आप इसको खोल के अंदर करके देखिए, सो दिस इज अ टूर ऑफ बुचार्ड्स गार्डन एक्सक्लूसिवली फॉर ऑल ऑफ यू। होप यू आर एंजॉयिंग द नेचर। बहुत सुंदर बनाया है यार, रियली। देखो यार, आपको एक बिल्कुल अलग टाइप के ट्यूलिप्स दिखा रहा हूँ, ऑलमोस्ट ब्लैक कलर के हैं, बिल्कुल डार्क रेड। मैंने खुद इस कलर के ट्यूलिप्स पहली बार देखे हैं, बहुत ही सुंदर। और ये यहाँ देखिए, ये भी एक बिल्कुल डिफरेंट टाइप के हैं। ये देखिए, तो सच में बहुत ही बढ़िया बनाया हुआ है, इतना लश ग्रीन गार्डन। और ये देखिए कहाँ तक है, देखिए। इसलिए मैं तो बीच बीच में आपको दिखा दूँगा कहाँ कहाँ से लोग चल के आ रहे हैं। इट्स अ ह्यूज गार्डन, वेरी बिग गार्डन। ये कितने सुंदर है, ये ट्यूलिप है ना, ब्लैक ब्लैक है। हाँ। देखो ये कितने सुंदर, कितने सुंदर फ्लावर्स हैं, वाह ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। हिंदी में इसका लिए जो वर्ड है ना, वो है अद्वितीय।
देखिए आप अद्वितीय। बच्चों के लिए भी अरेंजमेंट है, सबका ध्यान रखा गया है। बहुत ही सुंदर बनाया है, बहुत ही मेंटेन्ड है, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है। देखो कैसे कैसे डेवलप किया है। डिफरेंट टेरेन्स में बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। देखो क्या लग रहा है यार, आपको सच में किसी मूवी का सीन लग रहा है या नहीं लग रहा है, ईमानदारी से बताइए। बहुत ही बड़ा है इसलिए मैं आपको पीसेस में दिखा रहा हूँ, ताकि आपका एक टूर सा हो जाए इस जगह का। हमें तो चलना पड़ रहा है, हम तो चल रहे हैं बीच बीच में, लेकिन अगर इसको देखना है, इसकी सुंदरता को एक्सप्लोर करना है, इसे एंजॉय करना है, तो चलना तो पड़ेगा। दिस इज सिंपली सुपर्ब। ये आगे जाके क्या है जरा देखें। ओ वाह, क्या यार, ये तो ऐसा लग रहा है जुरासिक पार्क में। उसमें तो खैर डायनासोर थे, लेकिन बना तो बहुत सुंदर हुआ था वो भी। ऐसा लग रहा है कि किसी कमाल है भाई, कमाल है, बहुत अच्छा डेवलप किया है, बहुत सुंदर। टू गुड, शोइंग यू एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रू लव। एन एल्डरली कपल, हस्बैंड टेकिंग हर डिसेबल्ड वाइफ फॉर द टूर ऑफ द पुचार्ट गार्डन। सी क्या सुंदर बना है यार, मजा आ गया, वाह। गिफ्ट शॉप ऑफ बुचार्ट्स गार्डन। बहुत ही सुंदर कंप्लीट, वाह।
एंड फाइनली द व्यू ऑफ विक्टोरिया फ्रॉम ए व्यू पॉइंट ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन. सो एंडिंग द टूर ऑफ विक्टोरिया ऑन अ वेरी ब्यूटिफुल एंड गुड नोट. यादें आप लोगों के लिए, हमारे लिए. ओके गाइस, फिर मिलेंगे किसी नई डेस्टिनेशन में, किसी अच्छी जगह पे. तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, बी हैप्पी. तो दोस्तों, अभी हम वैंकूवर एयरपोर्ट पे हैं और फाइनली कनाडा और यूएस की ट्रिप ख़त्म करने के बाद वी आर गोइंग बैक टू इंडिया, आवर कंट्री. आशा करता हूँ इस दौरान जितने भी इस ट्रिप की मैंने वीडियोस डाली हैं वो आपने देखी होंगी. अगर नहीं देखी हैं तो हमारी पूरी यूएस और कनाडा ट्रिप की आप वीडियोस मेरे चैनल पे देख सकते हैं. आई वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल. और आने वाले टाइम में देखिए और कहाँ कहाँ घूमना फिरना होता है और वर्ल्ड की कौन सी जगहों पे जाते हैं. प्लान्स तो बहुत ज़्यादा हैं. लेट अस सी फ्यूचर ने क्या हमारे लिए लिखा है. और भी जिन डेस्टिनेशंस में मैं जाऊंगा, आई विल डेफिनेटली ब्रिंग वीडियोस फॉर यू. स्टे वेल, स्टे सेफ, एन्जॉय योर लाइफ, बी हैप्पी, घूमो फिरो, एन्जॉय एंड बाय फॉर नाउ.